हेलो जी, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल शीप्स वर्ल्ड। आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। तो रमज़ान स्पेशल में मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ कढ़ाई पनीर की रेसिपी। तो यहाँ मैंने कैप्सिकम एंड अनियन पनीर को क्यूब्स में कट कर लिया है, जो मुझे फ्राई करने का है। यहाँ मैंने अनियन, टमाटो, ग्रीन चिल्ली ग्रेवी बनाने के लिए लिया है, जिंजर गार्लिक का पेस्ट है, कुछ ड्राई मसाले हैं, कर्ड है, देन कुछ गर्म मसाले हैं जिन्हें मुझे ड्राई रोस्ट करना है। और मैं इसमें मोटा वाला धनिया यानी कोरिएंडर सीड मैं इसमें डालना भूल गई थी, लेकिन मैं अभी आगे ऐड कर दूंगी। तो ड्राई मसाले में देख लीजिए आप क्या क्या है। लौंग है, काली मिर्च है, 2 से 3 इसमें ग्रीन इलायची थी और 2 रेड चिल्ली थी एंड ज़ीरा। और यहाँ मैंने देखो धनिया भी मिला दिया है इसमें। तो अब हम इन सबको ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। पैन आपका गीला नहीं होना चाहिए, तो हमें लाइट शेड देना है इसको, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है वरना आपका मसाला कड़वा हो जाएगा, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और इसके बाद हमें इसको ग्राइंड कर लेना है। सो ये मसाला तो कढ़ाई पनीर की जान होता है, इसके बिना तो कढ़ाई पनीर नहीं बनता है। और जब हम इसको ग्राइंड करेंगे तो ज़्यादा फाइन ग्राइंड नहीं करना है, हल्का सा दरदरा छोड़ देना है आपको। मैं आगे आपको करके भी दिखाऊंगी। अगर आप ज़्यादा फाइन कर देंगे तो आपका जो कढ़ाई पनीर रहेगा उसका कलर ब्लैक सा हो जाएगा, तो इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा, ऐसा आपको फाइन कर लेना है। चलें, अब हमने जो पनीर, कैप्सिकम एंड अनियन को कट करके रखा था, अब हम उन्हें फ्राई कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ घी का यूज़ किया है, असली घी का, और आप बटर का यूज़ कर सकते हैं, और दोनों नहीं चाहें तो आप ऑयल भी डाल सकते हैं, बट मेरी माने तो आप बटर में या असली घी में इन तीनों चीज़ों को फ्राई करिएगा, इनका टेस्ट काफ़ी इन्हेंस होकर निकलता है अगर हम घी में या बटर में इन चीज़ को फ्राई करते हैं। कि आप लोग घर में पनीर बनाएं तो प्लीज़ कोशिश करिए उसको बटर में फ्राई करें, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा बटर ले लें, लेकिन जो पनीर का टेस्ट होता है वो एक इन्हेंस होकर निकलता है अगर हम बटर या असली में फ्राई करते हैं। तो यहाँ पर अच्छा सा एक कलर आ चुका है, इसके बाद मैं डिश आउट कर लूँगी और इस ही पैन में मैं इसको अनियन को एंड कैप्सिकम को फ्राई कर लूँगी। तो अनियन कैप्सिकम को ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। अगर आपको पनीर ऐसा पसंद है, मुझे मतलब शेड वाला पसंद है, तो मैं इस तरह से फ्राई करती हूँ। अगर आपको लाइट पसंद है तो आप लाइट फ्राई कर लीजिएगा। तो यहाँ मैंने इन दोनों चीज़ को भी फ्राई कर लेना है और इसके बाद हम चलते हैं ग्रेवी की साइड। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाती जा रही हूँ, तो प्लीज़ आप लोग ऐसे ही बनाइएगा, काफ़ी टेस्टी बनेगा। और रमज़ान में मैंने बनाया है तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छा बना था। यहाँ मैंने पैन ले लिया, इसमें मैंने अनियन को कट करके डाल दिया है, देन मैं इसमें टमाटर ऐड करूँगी एंड ग्रीन चिल्ली, और मैं इसमें ऐड करूँगी जिंजर गार्लिक का पेस्ट, और 5 से 6 मिनट तक मैं इनको पकाऊँगी, मतलब थोड़ी सी गल जाए। थोड़ा सा मैं इनमें साल्ट भी ऐड कर दूँगी ताकि मसाले वही, ताकि सब चीज़ें ये गल जाएँ। तो फिर हम इसको ठंडा करके इसको पीस लेना है हमें, और ठंडा करके ही पीसना, कभी आपकी मिक्सी वगैरह ख़राब हो जाए। और मैंने वही वाला जार ले लिया है, कभी आप सोचें गंदा जार हो रहा है। तो इसको ग्राइंड करने के बाद अब हम चलेंगे अपनी कढ़ाई पनीर की रेसिपी की तरफ। तो यहाँ मैंने पैन रख दिया है, पैन में मैंने ऑयल ऐड कर दिया था, ऑयल गर्म हो चुका है, देन मैंने तेज़पत्ता एंड सिनेमन स्टिक इसमें ऐड कर दिए। और अब मैं जो इसमें ऐड करूँगी वो है रेड चिल्ली पाउडर, कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर। आपको इसको यहीं पर ऐड करना है ऑयल में ही, क्योंकि इससे आपका कलर बहुत अच्छा आता है। अब जो हमने मसाले ग्राइंड करे थे वो हम इसमें ऐड कर देंगे, प्योरी जो हमने बना के रखी हुई थी, और इसको हमें 5 से 6 मिनट तक अच्छे से भूनना है। एंड इसके बाद मैं इसमें ड्राई मसाले ऐड करूँगी, जिसमें कोरिएंडर पाउडर एंड रेड चिल्ली, हल्दी और नमक था। तो इन मसालों को भी हमें 2 से 3 मिनट भून लेना है ताकि जो इनका कच्चापन है वो निकल जाए। तो इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी कढ़ाई पनीर की जान, जो कि मैंने ड्राई मसाला बना के रखा हुआ था। तो ये है कढ़ाई पनीर की जान, इसके बिना कढ़ाई पनीर नहीं बनता है। अगर कोई बनाता है तो वो अलग बात है, बट इस मसाले के बिना मुझे लगता है कढ़ाई पनीर नहीं बन सकता। तो ये ऐड कर दिया है, इसे तो बस 1 या 2 मिनट ही भूनना है आपको, ज़्यादा यहाँ नहीं भूनना है। और इसके बाद मैं इसमें कर्ड ऐड करूँगी, और जब आप इसमें कर्ड ऐड करेंगे तो प्लीज़ या तो गैस का फ्लेम लो कर लीजिए, या आप गैस को ऑफ भी कर सकते हैं। वो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब हम दही को ऐड करते हैं तो दही फट सकती है। तो यहाँ मैंने दही को ऐड कर दिया और मैं इसको अब अच्छे से भूनूंगी, तब तक हमारा ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। और यहाँ देखिए, मैंने कहा और ऑयल सेपरेट हो भी गया। सो अब मैं इसमें ऐड करूँगी अपना कैप्सिकम, अनियन एंड पनीर,
ऑलरेडी हम इन चीज़ों को पहले पका चुके थे, तो अब आपको यहाँ पे सिर्फ 3 से 4 मिनट पकाना है, वो भी इसलिए क्योंकि मसाले में सारी चीज़ें आपस में मिक्स हो जाएं। सो आई होप आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई हो, और मैंने सहरी में बनाई थी, माशाल्लाह बहुत टेस्टी बनी थी। अब अपने मुँह से क्या ही तारीफ़ करूँ, तो आप लोग ख़ुद बना के देख लीजिएगा। एंड यहाँ पर आप पानी भी डाल सकते हैं अगर डालना चाहें तो, मैं तो नहीं डालूँगी क्योंकि मुझे ऐसे ही चाहिए था ये। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलें अल्हम्दुलिल्लाह बन चुका है, डिश आउट कर लेते हैं। और कितना टेम्प्टिंग लग रहा है ना इस टाइम भी, खाने में खैर काफ़ी अच्छा था, सच बोल रही हूँ। बना के एक बार ज़रूर देखिएगा, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो गार्निशिंग के लिए मैंने यहाँ पर हरी धनिया का यूज़ किया था, आप कसूरी मेथी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए अपना और अपनों को ध्यान रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।